गांजा, चरस, बूटी, वीड, मैरुआना, ये सारे नाम सुन के सिर्फ एक ही इमेज बनती है दिमाग में, कोई फूंक रहा है, कोई नशा कर रहा है, समथिंग टोटली इलीगल एंड डेफिनेटली अनएक्सेप्टेबल एंड टैबू इन आर सोसाइटी। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, व्हाई इज़ दैट? आपको पता है आयुर्वेद में भांग और गांजे में जो नशे का कंपोनेंट होता है THC, उसको अलग करने की विधियाँ लिखी हुई है ताकि बचे हुए 400 कंपोनेंट का उपयोग किया जा सके। और अगर ये इतना इलीगल और अनअप्रोप्रिएट है तो US का कैनिबस मार्केट $64 बिलियन होता क्या? सोचिए थोड़ा, जिसको हम इलीगल और टैबू बना के बैठे हैं, वही चीज से US और कनाडा की कंपनियां मिलियंस बना रही है, इफ नॉट बिलियंस। दुनिया की करीब 36 कंट्री में हेम्प लीगल है फॉर मेडिकल पर्पसेस और कुछ कंट्रीज में तो रिक्रिएशनल पर्पसेस से भी। और भारत, जहां हजारों सालों से गांजा का प्रयोग कैसे और कितना और कहां करना है ये सब लिखा है, हम सबसे पीछे हैं। सो व्हाट आर वी मिसिंग? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट मी लिस्ट आउट 4 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट गांजा एंड भांग और वीड दैट वी ऑल शुड नो अबाउट। एंड ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज ब्रीदिंग हिस्ट्री, तो एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी समझेंगे इसका। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री। हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, आप अथर्वेद देख लो या सुश्रुत संहिता देख लो या भाव प्रकाश देख लो या आनंदकंद देख लो, ये सारे एंशियंट और हिस्टोरिक टेक्स्ट हैव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस एंड मेंशंस अबाउट हेम्प। इसमें इस प्लांट को 50 से अधिक नामों से बुलाया गया है, जैसे विजया या आनंद या बहुवादिनी या मोहिनी या सिद्धि या शिव बूटी या सिद्धा मूली। योगी कल्चर में कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत तो देवों ने ले लिया था, इसलिए मनुष्यों के लिए शिवजी ने गांजा बनाया। आप गजानन महाराज या साईं बाबा की कोई भी मूर्ति देखिए, उनके हाथ में चलम होती है। हिंदुओं में एक प्रथा है होली और शिवरात्रि पे भांग और गांजा का सेवन करने की। इस्लाम में इसको हराम कहा गया है, पर सूफी लोग इसको सालों से कंज्यूम करते आए हैं। निहांग सिख इसे सूखा कहते थे और वॉर के पहले और बाद कंज्यूम करते थे। एंड नॉट जस्ट फॉर कंज्यूमिंग, देर आर हिस्टोरिक एविडेंसेस जहाँ हेम्प क्लोथ्स, हेम्प पेपर, हेम्प ऑयल हैव बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। व्हेन एंड व्हाई डिड इट बिकम इलीगल इन इंडिया? सो 1961 में सिंगल कन्वेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स नाम से एक ट्रीटी हुई थी, उसमें कोकेन, ओपियम, हेरोइन के साथ कैनिबिस को भी बैन कर दिया गया। इंडिया में तो ये एक इतना प्रेवलेंट था कि फॉर्मेलिटी के लिए तब की गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, तो फिर इंडिया को 25 साल मिले इसके ग्रोथ को कर्ब और कंट्रोल करने के लिए। इसके चलते 25 साल बाद 1985 में NDPS, नेशनल ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट लाया गया, जिसमें मैरुआना को बैन कर दिया गया। दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट विच ऑल्सो लेट्स द स्टेट डिसाइड देयर ओन पॉलिसीज ऑन द ग्रोथ एंड कंजम्पशन ऑफ हेम्प। इसलिए भारत में अलग अलग लेवल में कुछ स्टेट्स में इसकी ग्रोथ और कंजम्पशन लीगल है, जैसे उत्तराखंड में हेम्प का कमर्शियल कल्टीवेशन लीगल है। डाइवर्स यूज ऑफ गांजा, हेम्प का मेल प्लांट हो या फीमेल प्लांट, एवरी पार्ट ऑफ इट इज यूजफुल। हम इस प्लांट की डिटेल में तो नहीं जाएंगे, ये आपको इजीली गूगल करने से मिल जाएगा। हम इसके डाइवर्स इस्तेमाल देखते हैं। मेडिसिनली इतना पोटेंट है ये कि आयुर्वेद में 100 से अधिक बीमारियों का इलाज लिखा गया है, जिसमें 30 प्रकार के कैंसर, लेप्रेसी, TB, PTSD, अल्जाइमर जैसी बीमारियां शामिल हैं। और ये तो बीमार होने के बाद का इलाज है। आयुर्वेद में तो इससे बीमारी सिर्फ ठीक करना ही नहीं, बल्कि बीमारियां अवॉइड करने की भी प्रयोग लिखे गए। मेडिसिनल यूज़ के अलावा इसका स्टॉक आप यूज़ कर सकते हो फाइबर ग्लास इंसुलेशन और ऑर्गेनिक कॉन्क्रीट बनाने में, जिसको हेम्पक्रीट भी बोला जाता है। इसी स्टॉक से जो फाइबर मिलता है दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस रोप्स, नेट्स, बैग्स, क्लोथ्स, शूज। लीव से भांग और काफ़ी अलग दवाइयाँ बनती हैं जो हम पहले बता चुके। इससे कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं, बॉडी शॉप ने तो पूरी एक कॉस्मेटिक लाइन लॉन्च कर दी। इसकी सीड से प्रोटीन पाउडर बन सकता है, सीड से आटा भी बनता है जिससे बाकी सारी चीज़ें बन सकती हैं जैसे ब्रेड एक्सेट्रा। सिर्फ खाने की ही नहीं,
इसकी सीड से जो ऑयल निकलता है दैट इज अगेन यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक्स इंक्स पेंट्स एंड वार्निशेस एक्सेट्रा. एंडोकैनबिनॉइड सिस्टम. ये प्लांट इतना इफेक्टिव इसलिए भी है हमारे लिए मेडिकली क्योंकि हमारी बॉडी में एक एंडोकैनबिनॉइड सिस्टम होता है जिसको कॉमनली ECS भी कहते हैं. दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू लाइक स्लीपिंग, डाइजेशन, स्ट्रेस, मेटाबॉलिज्म, मोटर कंट्रोल, लर्निंग, मेमोरी. हमारे ब्रेन में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो सिग्नल लेते हैं न्यूरॉन्स से. ये सिग्नल पास करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है जिसे एंडोकैनबिनॉइड कहते हैं. अभी तक की केमिकल रिसर्च में दो टाइप के कैनबिनॉइड्स मिले हैं जिसमें से एक का नाम है आनंदामाइड जो कि एक इजरायली साइंटिस्ट ने खोजा एंड ही नेम्ड इट आफ्टर द संस्कृत वर्ड आनंद सिंस वी हैव बीन यूजिंग इट फॉर 5000 ईयर्स. और गांजा जो होता है ये कैनबिनॉइड प्रोवाइड करता है बॉडी को. थिंक अबाउट इट, वी न्यू सच फाइन डिटेल्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी जो मॉडर्न साइंस अब डिस्कवर कर रहा है. अथर्वेद में लिखा है कि भांग उन 5 प्लांट्स में से एक है जिनसे हमें सोम मिल सकता है और जो हमारे ट्रबल्स दूर कर सकता है. आनंद कंद में तो पूरा चैप्टर है इस पर. एट द सेम टाइम देर आर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन. किसी भी चीज़ का इफेक्ट अच्छा है या खराब वो उसका प्रयोग कैसे किया जाता है उस पर निर्भर करता है. अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वी कैन ईदर यूज इट टू कुक और गेट कुक्ड. वैसे ही यही लॉजिक आप किसी भी चीज़ पर लागू कर सकते हैं, चाहे वो कार हो या टूल्स हो या कोई केमिकल हो या वो गांजा हो. अगर रिस्पॉन्सिबली यूज करें तो गांजा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैज हैपेंड टू अस. लेट अस ऑल बी रिस्पॉन्सिबल एंड विद टुडेज टेक्नोलॉजी लेट्स ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज सो इट कैन हेल्प नॉट जस्ट आवर फिजिकल वेल बीइंग और द सॉइल क्वालिटी बट ऑल्सो आवर नेशंस इकॉनमी. जय हिंद, जय भारत.